तो आज बनाने वाला रोज पेंटिंग डे 15। आज का चैलेंज ये है कि रोज पेंटिंग कैसे बनाए। कभी ना कभी आपने या आपको किसी ने रोज दिया ही होगा, दिया है कि नहीं दिया कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो आज जो बनाने वाला हूँ लव रोज पेंटिंग, तो टाइटल ही उन्हें ऐसे ही रखा है। तो ये पेंटिंग जो बनाने वाला हूँ तो इसको इतना प्यार दो, देखो कि कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो मैं दो कलर का यूज़ करने वाला हूँ, पहला है क्रिम्सन कलर, दूसरा है ग्रीन। जब भी आप रोज पेंटिंग बनाएं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि लाइट टोन पहले दें, मतलब कि लाइट का टोन देते हुए चले, जैसे कि मैं व्हाइट का गैप देते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें लाइट टोन का ज़्यादा यूज़ है। तो आपको ध्यान ये रखना है जब भी आप रोज पेंटिंग बनाएं तो कलर का टोन हल्का रखें। वैसे क्रिम्सन का लाइट रखना है, पिंक सेट में देना है, उसको डार्क भी करना है और बढ़िया भी लगना चाहिए पेंट। देन इसके बाद मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। ग्रीन कलर का मैं बेस टोन दे रहा हूँ, पहले लाइट टोन दूंगा देन उसके बाद डार्क दूंगा। पहले लाइट टोन इस तरह से दे रहा हूँ, पूरा फ्लैट टोन दे रहा हूँ। जब उस पर डिटेल आएगा तब आपको दिखेगा किस तरह से ये टोन आ रहा है। उसी के साथ मैं डार्क कलर ऐड कर रहा हूँ, डीप ग्रीन। पत्तों का टेक्स्चर दे रहा हूँ, धीरे धीरे टेक्स्चर देना चाहिए और एक साइड से डार्क टोन, एक साइड से लाइट टोन देना चाहिए। पहले मैं ग्रीन वाला पार्ट ख़त्म करूँगा, उसके बाद जाके मैं रोज़ पे आऊँगा। जब ग्रीन वाला पार्ट ख़त्म हो जाए इधर मैं रोज़ पे करूँगा। अब रोज़ पे कर रहा हूँ सेकेंड टोन। देखो अब सेकेंड टोन दे रहा हूँ ना, तो मैं फर्स्ट टोन का भी थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ कि वो भी दिखे। इस पेंटिंग में थोड़ा मैं पैच तरीके से करूँगा, लाइट टोन तो है ही, उसके बाद मैं सेकेंड टोन दे रहा हूँ। जो फ्लावर का डिज़ाइन है उसका ध्यान रखें, थोड़े आराम से करें, थोड़ा प्यार से करें, और जब नीचे की तरफ आए तो पतले ब्रश का यूज़ करें जो कि आपको शैडो देना है। ऊपर थोड़ा डार्क, नीचे लाइट, और वाइट टोन मिक्स होना चाहिए। ये इसी का ही मजा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब वो फील कर पाओगे। एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा बहुत आएगा वो फीलिंग के साथ करना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं दे रहा हूँ थर्ड टोन जो कि है डिटेलिंग। डिटेलिंग देख रहे हो, पानी 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 तो है नहीं ज़्यादा, कलर कलर बहुत ज़्यादा है। तो कलर को ज़्यादा लिया और आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, आउटलाइनिंग के साथ थोड़ा हल्का शैडो दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो करूँगा मैं डार्क टोन जो कि है ग्रीन पे, तो ग्रीन का टोन देखो। उसके बाद मैं टहनियों पे दे रहा हूँ, टहनी पे आउटलाइनिंग करने के बाद मैं पानी से मिक्स कर रहा हूँ हल्का सा, जो कि शैडो दिखना चाहिए। इसके बाद मैं फाइनली डिटेल कर रहा हूँ पत्तों पे, जो टेक्स्चर आपको दिख ही रहा है। इसके बाद जब कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अपना सिग्नेचर दूंगा, जो आज का डेट है 15 जुलाई, और अपना सिग्नेचर दे रहा हूँ। अब कोई पेंटिंग बना लो या फ्लावर बना लो, कोई आर्ट वर्क बना लो, अगर उसमें फीलिंग है, मतलब 4 घंटा दे रहे हो, 5 घंटे, पूरा दिन दे रहे हो, जितना भी आप टाइम दे रहे हो, फीलिंग के साथ अगर बना दो उसकी बात अलग होती है, वो अलग दिखता भी है, मानो या ना मानो। अब जिसको भी पेंटिंग दोगे या जिसके लिए पेंटिंग बनाओगे वो फीलिंग अलग ही होगी। ठीक उसी तरह जब रोज़ फ्लावर देते हैं तो वो जो फीलिंग है, तू मेरी है, मैं तेरा हूँ। तो जोक्स अपार्ट, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपने किसी को रोज़ दिया है या आपको किसी ने रोज़ दिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज का वीडियो इसी पे ही था, मिलते हैं कल नए कुछ तरीके से, नए चैलेंज के साथ। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो भी देखते रहें।